अक्सर होता क्या है कि जब लेटरल एंट्री में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका उसमें काफी विलंब हो जाता है। जैसे अभी जो 3 साल का सीनियर ये बता रहा हूँ, अब 2019 में तो सही था, जब 20 में कोरोना आ गया तो एडमिशन की प्रक्रिया जो चली वो चली सर दिसंबर तक। उसके बाद फिर जब 21 में कोरोना आया तो उस समय एडमिशन की प्रक्रिया चली अभी जो है नवंबर तक। और बच्चों के जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के जो रिजल्ट आ गए बीटेक वालों के, वो रिजल्ट आ गए 20 में आ गए थे उन बच्चों के जो है जुलाई में, और अभी जो है 19 में बच्चों के रिजल्ट आ गए थे अगस्त में। तो हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई सर इसमें, कि इन बच्चों को जो है क्लासेस पहले शुरू हो गई सेकेंड ईयर वालों की, यानी कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आया वो बच्चा अपना क्लास शुरू कर चुका था जुलाई में ही अगस्त में। लैटरल एंट्री का बच्चा फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, काउंसलिंग कराया और इन सब प्रक्रियाओं से जूझते हुए वो पहुंच गया सितंबर में, नवंबर में पहुंच गया, जो 3 महीना उसका देर हो। सही। अब इन 3 महीने में हर कॉलेज में तीन तीन यूनिट पढ़ाई दी जाती है लेटर एंट्री के बच्चे को। उसमें होता क्या है कि उस वहां पे लेटर एंट्री के बच्चे को नुकसान होता है, लेकिन ये है कि ये पॉलिटेक्निक का बच्चा है, ये लिखने का जानता है, पढ़ने का इंजीनियरिंग का एबीसीडी जान चुका है, तो थोड़ा सा इसको दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज है सर कि मैं अगर कोई बच्चा काउंसलिंग से नहीं आना चाहता तो मैं उस बच्चों को यही राय दूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन हो जुलाई अगस्त, बहुत डेट से एडमिशन ले, जुलाई अगस्त तक एडमिशन ले लेना चाहिए उस बच्चे को। अगर अच्छा वो बच्चा देर करेगा, देर से डिसीजन लेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई जो है नुकसान होगी और ये दिक्कत होगी।